नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बाबा रामदेव आज प्रोजेक्ट भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, शिक्षा स्वास्थ्य के योगदान पतंजलि के द्वारा राज्य में किया जाएगा, इसको लेकर उनसे संवाद किया। 1.5-2 दशक से सोरेन परिवार से हमारा संबंध रहा है। आने वाले समय में पतंजलि परिवार राज्य की जनता के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी योगदान देने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ करते हुए कहा, राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आगे चलने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को CBI और ED से डरने की जरूरत नहीं है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी से झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के पतंजलि के योगदान के संदर्भ में हमने संवाद किया और जिनको सब श्रद्धा से गुरुजी कहते हैं, ऐसे आदरणीय श्री शिबु सोरेन जी से लेकर के लगभग 1.5-2 दशकों से सोरेन परिवार के साथ हमारा आत्मीय संबंध रहा है। आज उसी विश्वास के साथ कि यहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ के वनवासी आदिवासियों से लेकर के पूरे झारखंड के लोगों के लिए जो भी कल्याणकारी कर सकते हैं कार्य, उनके संदर्भ में संवाद किया और मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पतंजलि कुछ बड़ी सेवाएं और बड़ा योगदान यहाँ के लिए दे। सर, कोई वेंचर पे डिसीजन हुआ कुछ? ठोस प्रस्ताव मैंने कहा ना, जैसे पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में है, वहाँ योग है, आयुर्वेद है, स्वदेशी है, भारतीय शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा है। हमने तो जिंदगी भर आर्थिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक गुलामी और दरिद्रता से इस देश को बाहर निकालने का काम किया, तो उस तरह की उन सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ झारखंड की धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए हमने अपने संकल्प को दोहराया। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रतिबद्ध हैं कि इस क्षेत्र में हम मिलकर के कुछ बड़ा काम अवश्य करें। हेमंत जी के पिताजी ने जिंदगी भर संघर्ष किया, जेलों से लेकर के CBI से लेकर के क्या क्या उन्होंने कष्ट नहीं सहे, ये भी युद्ध और संघर्षों के बीच में अपने राजधर्म के पथ पर संघर्षपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और जो एक यहाँ के पूरे झारखंड के लोगों के कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के आगे चल रहे हैं, मैं आश्वस्त हूँ कि लोगों का इनको जो प्यार मिल रहा है एक अच्छा कार्यक्रम।